यहाँ मुझे देना कति वैली है ये छो नहीं निकला गई चला तो चलिए बात कर लीजिए। तो फ्रेंड एक बात बताइए आप लोगों के घर से मतलब कि कितना दूर पड़ता है मिथिला हाट। हम जहाँ रहते हैं ना जिस गांव में उस गांव से 2-3 किलोमीटर दूर है मिथिला हाट, फिर भी नहीं जा पाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि गए नहीं हैं, अब तक तो हम 3 बार जा चुके हैं, 3 बार। अब दिल करेगा तो फिर जाएंगे, लेकिन जल्दी नहीं जाते रहते क्योंकि वहाँ पर बहुत लोग रहता है ना, बहुत लोग रहता है। सबसे पहले तो मतलब खर्चा करने में मज़ा आता है वहाँ, ज़्यादा मतलब पैसा वैसा लेकर जाते हैं ना तो खर्चा करने में वहाँ बहुत अच्छा लगता है, पर नहीं रहता है तो जाने का मन ही नहीं करता है। क्योंकि वहाँ जाते ही मतलब इतना अच्छा अच्छा सामान सब रहता है ना कि वहाँ जाते ही दिल करता है कि क्या खरीदूँ ना खरीदूँ, इतना अच्छा अच्छा सामान सब वहाँ पे रहता है, लेकिन महंगा रहता है। लेकिन हम लोग तो वीडियो बनाने के शौक़ से जाते हैं कि जाएंगे तो रील बनाते हैं, तो 2-4 रील भी बना लेंगे। लेकिन रील तो बनाते हैं लेकिन वहाँ का जो लोग सब होता है ना ऐसे टक टक देखते रहते हैं कि रील बनाती है वीडियो बनाती है, थोड़ा मतलब शर्म तो ऐसे करते नहीं है, कितना शर्म करेंगे, लेकिन वीडियो बनाते समय आसपास में भटकते रहते हैं लोग से। तो फ्रेंड आप लोग भी मिथिला हाट जाइएगा तो आइए, हमसे मिल भी सकते हैं क्योंकि हम लोग 2-3 किलोमीटर मिथिला हाट से पीछे ही हैं, खोपा संग्राम के बीच बीच में है, मतलब संग्रामे में है, अररिया संग्राम के बीच में वहीं है समझिए। तो आप लोगों को भी मिथिला हाट आना है तो आइए, और जी चाहे तो हमसे मिल भी सकते हैं और मिथिला हाट का आनंद लीजिए क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मिथिला हाट में, वहाँ सामान भी बहुत अच्छा अच्छा रहता है, हम तो बता ही दिए हैं। साथ में मार्केट का भी मतलब इंजॉय मिल जाएगा, ऊपर से क्या बोलते हैं वो नाव के बारे में तो भूल गई, वहाँ पे पानी में हाँ नाव रहता है उसको बोलते हैं बग्गी, बग्गी बोलता है उसे। और झूला तो इतना अच्छा अच्छा रहता है ना, उस पर झूलने में तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन हम सब कभी झूले नहीं क्योंकि बच्चा को लेकर जाते हैं ना तो कैसे झूलेंगे, परेशान करके रख देती है वहाँ। आप लोग आइए आनंद लीजिए इंजॉय करिए, घूमने में तो सबसे अच्छा मज़ा आएगा क्योंकि चारों चक्कर लगाना पड़ता है, अगर ज़्यादा मतलब घूमना होता है तो 4 चक्कर लगाइए, कम से कम 1-1.5 घंटा लग जाता है चक्कर लगाने में, लेकिन अच्छा भी लगता है घूमने में क्योंकि वहाँ का लोकेशन ही इतना अच्छा रहता है ना कि वहाँ से आने का दिल ही नहीं करेगा। तो कौन कौन गए हैं मिथिला हाट और कौन नहीं गए वो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। तो फ्रेंड अब हम लोग अब धूप अभी बहुत वैसे हैं तो अब थोड़ा रील वील भी बना लेते हैं क्योंकि वीडियो बनाना तो ज़रूरी है ना। आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, पता नहीं आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, क्यों क्या गलती हुआ है पता नहीं। कट कर। हेलो फ्रेंड गुड इवनिंग, तो कैसे हैं आप लोग और क्या कर रहे हैं अभी। मैं अभी आ चुकी हूँ अपने घर से बाहर काछी की ओर, सोचे घूम फिर भी लेंगे, आज थोड़ा गर्मी है, कल तो अच्छा मौसम था आज लेकिन ख़राब मौसम है, गर्मी सा महसूस हो रहा है। तो आ गए बाहर, सोचे कि जा रहे हैं घूमने के लिए, जाएंगे तो थोड़ा आम भी खा लेंगे जामुन भी बीच के खा लेंगे क्योंकि जामुन मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं उधर गई नहीं अभी, यहाँ आके छाँव में बैठ गई क्योंकि यहाँ पे हवा बहुत मस्त चल रहा है। आप लोग को भी हवा खाना है तो आ जाइए यहाँ पे, बहुत अच्छा है, छाँव है एकदम मस्त। कितनी बोला गायत्री भी आई है मेरे साथ, बहुत मौज मस्ती करती है, ये बोलती है कि मैं चप्पल खोल के बैठूंगी चप्पल पर चीटी काट लेगी, बैठ जा बैठ। तो बताइए फ्रेंड आप लोगों का खाना पीना हुआ कि नहीं हुआ। आज दिल करता था कहीं बाहर घूमने जाएंगे बाहर का मतलब कहीं मतलब मार्केट शॉपिंग वॉपिंग के लिए लेकिन नहीं गई। ये धूप जो देखती हूँ ना मैं, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है,
क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा धूप भी पसंद नहीं है। धूप देखती हूँ तो कहीं जाने का मन ही नहीं करता है। तो बताइए क्या करें आप, धूप से अच्छा तो ये छांव है जहाँ बैठी हूँ। यहीं पे आनंद आता है। आहा, क्या हवा है। आलस ही आलस। तो क्या कहते हैं, कुछ याद आया, मैं भूल गई। पता है फ्रेंड, आज ना मुझे खाना खाने में मन नहीं लगा। आए दो बार तीन बार खाए फिर भी भूख लगा है, पता नहीं। आज मेरा मन पसंद का खाना नहीं बना था। मन करता है मछली चावल खाने का। वो चिकन मटन ऐसे वैरायटी में खाने का मन करता है। बस सादा सिंपल खाना खाए ना तो पेट ही नहीं भरा। जी करता है उसे खाने का। तो आप लोग खाते हैं कि नहीं बताइए। जो जो खाते हैं उसे तो अच्छा लगेगा ही, जो नहीं खाते हैं उसे तो खराब लगेगा। कि क्या बोलती है। यहाँ एकदम अच्छा जगह है जहाँ बैठी हूँ, कोई जल्दी आता जाता नहीं रहता है। शांति से बैठे रहे। इधर आ जाना। यहाँ केला का पेड़ बहुत है लेकिन एक भी केला नहीं है। कोरा कोरा था भी ना। बस तो बताइए दोस्त लोग, आजकल तो मतलब आम का मौसम है ना, तो आम खाते हैं कि नहीं खाते हैं। पक्का हुआ आम तो लोग ज़्यादा खाते हैं ना, रोटी के साथ, चावल के साथ। किस किस को पसंद है वो बताइएगा। मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ, रोज की रोज खाती हूँ रोटी के साथ। इंजॉय करती हूँ आम का इंजॉय, क्योंकि रसीला होता है ना आम, बहुत रसीला होता है। रसाल, इसे रसाल भी बोलते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, इसीलिए रसीला होता है आम तो आम।